वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत बिगेस्ट न्यूज के साथ। क्या तीसरी शादी की तैयारी में जुटे हैं परफेक्शनिस्ट खान? एक फिल्म में काम कर चुकी को स्टार संग कर रहे हैं शादी प्लान। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने अगस्त के महीने में तलाक का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया था। दूसरी पत्नी किरण राव को तलाक देकर आमिर खान ने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर हर किसी को शॉक कर दिया था। वहीं अब एक बार फिर से आमिर फैंस को सरप्राइज दे सकते हैं। आमिर के तलाक की चर्चाएं अभी भी बंद नहीं हुई थी कि अब एक बार फिर से मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छा गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान बहुत जल्द तीसरी बार शादी के बंधन में बंध सकते हैं। हालांकि अभी ये सामने नहीं आया है कि आमिर किसके साथ ये तीसरी शादी प्लान कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में ये जरूर कहा जा रहा है कि आमिर खान अपनी किसी को स्टार के साथ ही शादी प्लान कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों करीना कपूर खान के साथ अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर मिस्टर खान बिजी हैं। फैंस को भी आमिर की इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में आमिर इस फिल्म के रिलीज के बाद अपनी शादी का ऐलान करने की सोच रहे हैं। बता दें कि आमिर की ओर से अभी तक इस खबर पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर आमिर की थर्ड वेडिंग की खबर आग की तरह वायरल हो रही है। दरअसल खबरें ये हैं कि आमिर खान लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के बाद ही शादी का ऐलान करने की सोच रहे हैं। इसका कारण ये है कि फिर सभी का फोकस फिल्म से हटकर आमिर की तीसरी वेडिंग पर हो जाएगा, जिसकी वजह से फिल्म को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो कि आमिर और फिल्म की पूरी टीम बिल्कुल भी नहीं चाहती है। आमिर खान इस फिल्म की रिलीज से पहले किसी भी तरह के विवाद में नहीं फंसना चाहते हैं। ऐसे में वो फिल्म की रिलीज के बाद ही ऐसा कोई ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि तलाक के वक्त भी आमिर खान के साथ उनकी हालिया फिल्म में काम कर चुकी नई एक्ट्रेस को उनके तलाक का कारण बताया गया था। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इन खबर पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। अजय ने पूरे किए इंडस्ट्री में 30 साल। सोशल मीडिया पर फैंस ने लुटाया एक्टर पर प्यार। बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में देने वाले अजय देवगन ने फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिए हैं। अच्छा, पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है? तेरे को नहीं मालूम? मन भवर उठे, तन सिहर उठे, जब खबर उठे के आवे सिंह। फिल्म फूल और कांटे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अजय ने 30 साल का वक्त इस इंडस्ट्री में बताया है। हर तरह की फिल्में कर फैंस के दिलों पर छा जाने वाले मिस्टर देवगन अब इंडस्ट्री के सिंघम बन चुके हैं। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री के सितारे, अजय के दोस्त और फैंस उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं। अजय देवगन के साथ कई सक्सेसफुल फिल्मों में काम कर चुके अक्षय कुमार ने भी पुराने दिन याद करते हुए उन्हें बधाई दी है। अक्षय कुमार ने अजय देवगन के लिए सूर्यवंशी की एक पिक्चर शेयर करते हुए लिखा है, मुझे याद है जब हम नए थे, मैं और तू साथ जुहू बीच पर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते थे और तब तुम्हारे पिता हमें ट्रेनिंग दिया करते थे। क्या दिन थे यार। और इसी तरह फूल और कांटे को आए 30 साल हो गए। समय कितनी तेजी से निकलता है। दोस्ती बरकरार रहे। अजय के लिए बिग बी ने भी शुभकामनाएं भेजी हैं। सीनियर बच्चन ने लिखा, अजय देवगन ने फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिए। 22 नवंबर को ही उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे रिलीज हुई थी। मीठा बोलने वाले, ज्यादा तंग नहीं करने वाले और फिर भी जुनून से भरे हुए अजय को मेरी बधाई। ईश्वर करे आप अगले 70 सालों तक ऐसे ही काम करते रहें। वहीं सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए सुनील शेट्टी ने भी एक पोस्ट शेयर किया है। सुनील के अलावा अनिल कपूर, राजा मौली, ऐशा देओल जैसे कई सितारों ने बॉलीवुड के सिंघम को ढेर सारी बधाइयां दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। राजकुमार और पत्रलेखा की शादी का देखिए वीडियो। एक दूसरे में खोए दिखे कपल।
राजकुमार राव और पत्रलेखा अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पति पत्नी बन चुके हैं। 11 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 15 नवंबर को साथ फेरे ले लिए। सोशल मीडिया पर कपल की तस्वीरें और वीडियो जबरदस्त वायरल हो रही हैं। राजकुमार और पत्रलेखा की शादी किसी परियों की कहानी जैसी नजर आ रही है, जिसे देखकर हर किसी का दिल भर आ रहा है। ऐसे में पत्र और राज की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हाल ही में राजकुमार ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी का एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर हर कोई खुश है। इस वीडियो में राजकुमार और पत्रलेखा एक दूसरे को वचन देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही राज पत्रलेखा की मांग में सिंदूर भरते हुए भी दिख रहे हैं। एक तरफ जहां पहले राजकुमार ने पत्रलेखा को सिंदूर लगाया, तो फिर उनसे ये भी कह दिया कि वो भी उनकी मांग में सिंदूर भर दें। पत्रलेखा ने भी हंसते हुए राजकुमार की मांग भर दी। वीडियो में पत्रलेखा राज की तारीफ करती हुई भी थक नहीं रही हैं। पत्रलेखा और राज का साथ जन्मों जन्मों का लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि दोनों एक दूसरे को मात्र 11 सालों से जानते हैं। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कपल इस जन्म से नहीं बल्कि कई जन्म से एक दूसरे को जानते हों। वहीं वीडियो में राजकुमार ने यह भी कहा कि हम दोनों एक दूसरे को कहते रहते हैं, लेकिन हम सच में सोलमेट हैं और मैं बिल्कुल इसमें मानता हूँ। मेरी जिंदगी का प्यार और मेरी पत्नी बनने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वीडियो में पत्रलेखा और राजकुमार में कई प्यारे मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देखने लायक है। ब्यूरो रिपोर्ट। लायंसगेट अपना पहला वेब सीरीज लेकर आ रहा है हिकअप्स एंड हुकअप्स, जिसकी मेन अदाकारा यानी हम सब की फेवरेट मिस यूनिवर्स लारा दत्ता है उसमें, और आपका बहुत बहुत स्वागत है E24। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, आप एक माँ का किरदार निभा रही हैं जो कि बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ रही हैं, इसमें क्या है अगर बताना चाहें? जी, मैं कहूँगी कि ये ऐसी कोई माँ नहीं है जो मतलब एक बहुत ही बोल्ड मूव ले रही है। ये वैसी ही माँ है जो नॉर्मल आई थिंक 40 ईयर ओल्ड माँ होगी, जिसकी 18 साल की बेटी है, जो अपनी शादी से अपने हस्बैंड से सेपरेट होके अपने भाई के घर में आती है और फिलहाल प्यार के खोज में उसे एक नए माहौल में उतरना पड़ रहा है, जहाँ पे अभी जो डेटिंग रूल्स है वो काफ़ी बदल चुके हैं। 20 साल के बाद वो जब लास्ट डेट पे गई थी, और आज के माहौल में ये डेटिंग ऐप्स भी आ चुके हैं, ये लेफ्ट राइट स्वाइप अप डाउन, वो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस माहौल में एक नॉर्मल आज की मॉडर्न लेडी जो 40 ईयर्स की है, अगर उसे प्यार ढूंढना है या कंपेनियनशिप ढूंढना है या इवन फ्रेंडशिप ढूंढना है, वो काफ़ी स्ट्रगल करती है। तो वो बोल्ड नहीं है, वो ऐसे मतलब खुलेआम नहीं आ रही है कि मैं रेडी हूँ, वो बहुत हिचकिचाहट के साथ इस डेटिंग वर्ल्ड में आ रही है। अच्छा, तो टॉकिंग अबाउट द डेटिंग एप्स, आपने कुछ एक एक्सप्लोर किए बिफोर द साइनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट? मेरी फिलहाल 11 साल की शादी है, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं ऑल्सो बहुत खुश हूँ कि ये जो बस है मुझसे काफ़ी पहले मैं काफ़ी पहले निकल चुकी हूँ उस बस पे। तो आई डोंट थिंक मेरा कोई अनुभव नहीं है इस न्यू वर्ल्ड ऑफ डेटिंग में, और मैं सचमुच में सोचती हूँ, इसीलिए अपने किरदार वसुधा राव से रिलेट भी करती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आज अगर मुझे इस डेटिंग वर्ल्ड में डेट करना हो तो मैं भी शायद काफ़ी लॉस्ट होती। तो मेरे पास हाँ ज़रूर मेरे दोस्त हैं जो सिंगल औरतें हैं, जो यू नो ऐप्स पे हैं, वो बाहर वो डेट्स पे भी जा चुके हैं राइट स्वाइप करके, लेकिन ज़्यादातर से मैंने उनके एक्सपीरियंस से जाना है कि वो जो प्रोफाइल पे देखते हैं और उनसे जो कॉफ़ी के लिए मिलने आते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं। ये ज़्यादातर से एक्सपीरियंस रहा है सबका। Lastly, to all the viewers, what you wanna say? आप फिर से आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इसमें सिंगल मॉम का, बहुत सारे बैरियर्स टूटने वाले हैं, और बहुत ही ट्रेलर बहुत ही प्रॉमिसिंग लगा था, क्या कहना चाहेंगे?
नहीं बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि हमारी शो हिकअप्स और हुकअप्स लायंस गेट प्ले पे आने वाली है 26 नवंबर को, एंड आई रियली होप कि आप इस शो को एक मौका दें, इंजॉय करें, अपने पूरी फैमिली के साथ देखें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, एंड इट्स अ फन क्रेजी लाइट शो, कुछ ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, आप इंजॉय करेंगे तो ज़रूर आइएगा। और सिर्फ लायंस गेट प्ले ही पे ही नहीं है, लायंस गेट प्ले ने हुकअप किया है अमेज़ॉन के साथ, जियो के साथ और एप्पल टीवी के साथ, तो आप इन सब प्लेटफॉर्म्स पे इस शो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस शो। प्रतीक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया। टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, मामा का किरदार निभा रहे हैं, लारा दत्ता के भाई का किरदार निभा रहे हैं, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑल अबाउट? ये कैरेक्टर का नाम अखिल राव है। ये बहुत ही बड़ा बदमाश है, लेकिन बहुत ही लवेबल बदमाश है, मस्तीखोर है। हर सिचुएशन में ये ह्यूमर निकालता है, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो कोई रो रहा हो, चाहे वो किसी की जॉब चली जा रही है, चाहे वो अपनी बहन का डिवोर्स हो रहा है, हर सिचुएशन में ये कुछ ना कुछ ह्यूमर निकालता है। और ऐसे नहीं कि वो ऑफेंसिव है, बहुत ही इंडियरिंग है, लवेबल है, बहुत ही लवेबल बदमाश है ये। थोड़ा बहुत मैं किरदार के बारे में बताऊंगा। ये एंटरप्रेन्योर है, यंग हॉट शॉट एंटरप्रेन्योर है। इसने एक डेटिंग ऐप शुरू किया है जो बहुत ही बड़ा हिट हुआ है देश में, तो उसने बहुत ढेर सारे पैसे बनाए, बहुत बड़ा घर उसने खरीदा है, तो अब वो थोड़ा आलसी हो गया। अब उसको लगता है यार बहुत पैसे कमाए हैं, मेरा ऐप हिट हो गया, अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, आलसी हो गया, अब वो एक्सक्यूज़ बनाना शुरू करता है काम के बारे में, यार कल आता हूँ, आज नहीं, ऑफिस बंक करता है। और ये बिल्कुल लव और रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं करता। लास्टली, व्हाट यू वांट टू से टू ऑल द फैंस एंड व्यूअर्स, यू आर बैक विद अनदर OTT। यस, बैक विद अनदर वेरी एक्साइटिंग न्यू नेवर सीन बिफोर kind of show on Lionsgate Play. ये हिंदुस्तान में ऐप लॉन्च हो रहा है और ये ऐप का पहला हिंदी शो है और बहुत ही मज़ेदार शो है। 26 नवंबर को रिलीज हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है E24। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। अच्छा, ये वेब सीरीज है, इसमें यू आर प्लेइंग अ डॉटर ऑफ लारा दत्ता। हाँ जी। सो व्हाट इज द कैरेक्टर इज ऑल अबाउट? ओह, द कैरेक्टर, सो इट्स जस्ट अ टीनेजर हु इज गोइंग थ्रू, सो शी इज क्वाइट कंफ्यूज्ड इन लाइफ एंड शी is exploring relationships in her college and she is just trying to figure out, abhi wo apni mom ko samajh nahi pati hai, like she's not able to understand her mom that clearly, but by the end of it she tries to like understand her mom from her point of view, not like her grandmom's point of view, and like it's just basically her relationship and the chemistry between her mother that is played by Lara and her mama that is played by Prateek. So it's pretty much that. She's just exploring and she's cold, a little bit like a cold rebel. She doesn't like clingy boyfriends or yeah, so she's still figuring stuff out. All right, lastly to all the viewers, aapka ye debut hai and you have done really good. We have seen the trailer. So what do you want to say about it? Thank you so much. I just want to say that please watch the show on 26 November on Lionsgate Play, and I really really hope that you love it and you just please don't judge it and just watch it with your open heart, like mind and heart, and yes, just give me some love. That's all. Thank you so much and all thank the best. So much. Thank you. Camera person Anchal ke saath Naveen Singh Bhardwaj, E24 Mumbai. Bollywood reporter mein aaj ke liye bas itna hi, lekin Bollywood ki har choti badi update janne ke liye aap bane rahiye hamare saath, kal phir hogi mulaqat. Tab tak ke liye dekhte rahiye E24 Bollywood ka direct connection.